हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक यू ऑल एट पीसी क्लासेस आवर चैनल एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी दैट इज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। ओके सो आइए डिटेल में हम इस कॉन्सेप्ट को अब अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारी। तो इसमें देखिए कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में आपकी जो दोनों टर्म है वो क्या शो कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक आपको रिटन फॉर्म में बता देती हूँ, ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। ये है आपकी कंपोजिट सप्लाई और ये है आपकी मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में क्या है, ये दोनों ही मिक्सचर होती हैं, कॉम्बो होती हैं गुड्स का या गुड्स के साथ में, या फिर गुड्स और सर्विसेज का, या फिर सर्विसेज प्लस सर्विसेज का, यानी कि ये एक कॉम्बो के रूप में मिलती है। लेकिन कंपोजिट सप्लाई में तो वो सभी आइटम्स इंक्लूड होती हैं जो नेचुरली बंडल्ड होती हैं, यानी कि जिसको हमने कॉम्बो मिक्स नहीं किया, बाय नेचर ही ये मिक्स हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में जाते हो, ठीक है, तो आप रूम का जो रेंट है वो देते हो, उस रूम के रेंट में आपको बेड, आपको टीवी, आपको खाना, आपको बाकी सभी चीज़ें लग्जरीज हैं वो मिलती हैं। तो ये क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, ये है कंपोजिट सप्लाई। जबकि सेकंड में है मिक्स सप्लाई, जो हम इसको याद आप ऐसे करोगे, जो नेचुरली कॉम्बो मिलता है वो तो कंपोजिट, और जो हम मिक्स करते हैं जानबूझकर, जो हम करते हैं जो नेचुरली मिक्स नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड दी मिक्स सप्लाई। ये किसके द्वारा की जाती है, बाय अस, हम करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टूथपेस्ट के साथ में जो आपका ब्रश आ जाता है, या फिर दिवाली के टाइम पर आपको बहुत सारे जो पैकेज हैं वो मिक्स करके मिल जाते हैं, जिसमें मिठाई भी होती है, जिसमें आपका स्नैक्स भी होते हैं, जिसमें हम आपकी कोल्ड ड्रिंक्स भी होती हैं, एक पूरी टोकरी टाइप में आपको एक बंडल्स है वो मिल जाते हैं। तो ये भी क्या है, मिक्स सप्लाई। अब यहाँ पर इनके जो रेट्स हैं वो किस टाइप से डिसाइड होंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बेस पे होंगे या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स की अलग अलग जो प्राइस है वो कैलकुलेट करके टोटल प्राइस बनेगा, और इनका इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या है उसको आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर कंपोजिट या मिक्स सप्लाई क्या होता है, कॉम्बो होता है एक गुड्स प्लस सर्विसेज का, सर्विसेज प्लस गुड्स का, या सर्विसेज और सर्विसेज का। तो कंपोजिट सप्लाई का सेक्शन है 230 और इसका 274। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इस पूरे चैप्टर में सप्लाई का है सेक्शन 7, ठीक है, लेकिन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का सेक्शन 230 कंपोजिट का, 74 मिक्स का, ऐसे याद रखना है। नेचुरली बंडल्स होते हैं कंपोजिट सप्लाई में, और नॉन नेचुरली जो ह्यूमन के द्वारा कॉम्बो बनाए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं गुड्स को, वो होता है मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में देखिए एक फिगर ही आपको पूरी जो स्टेटमेंट क्लियर कर देगा। कंप्राइजिंग किया जाता है टू और मोर गुड्स को, बंडल्स होते हैं नेचुरली, ठीक है, विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई किए जाते हैं, और यहाँ पर जो प्राइस होता है भाई वो जो मेन चीज़ होती है प्रिंसिपल सप्लाई उसका इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो होटल वाला एग्जांपल था, वहाँ पर रूम रेंट लिया जाता है, ना कि वहाँ पर आपसे खाने का, वहाँ पर आपसे लग्जरीज का, वहाँ पर आपसे एसी का, हर चीज़ का अलग अलग प्राइस लिया जाता है। एक प्रिंसिपल जो मेन सप्लाई होती है उसी का जो प्राइस है भाई वही कैलकुलेट किया जाता है, वही जो प्राइस है वो मेन रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके एग्जांपल हैं सभी, जैसे टीवी के साथ में आपको वारंटी, होटल के साथ में आपको जो लॉन्ड्री सर्विसेज मिलती हैं, शर्ट विद पैकिंग मिलती है, ठीक है, स्टे विद ब्रेकफास्ट मिलता है, ट्रैवल विद फूड मिलता है, लैपटॉप के साथ में आपको कैरी केस बैग्स मिलते हैं, मशीनरी के साथ में इंस्टॉलेशंस मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका है कंपोजिट सप्लाई। देन है आपका मिक्स सप्लाई सेक्शन 274। मिक्स सप्लाई में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ह्यूमन बनाता है, ना कि नेचुरली बंडल्ड होते हैं, मेड अ कंजक्शन ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट। यहाँ पर एक सिंगल प्राइस ही चार्ज किया जाता है, लेकिन वो प्राइस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बंडल बनाया और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी, या फिर हमारा जो टूथपेस्ट प्लस में ब्रश का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या ऑल आउट के साथ में रिफिल का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर जो प्राइस होगा
जिस गुड्स का ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ब्रश का प्राइस आपका 10 to 20 होता है, 20 होता है, 10 तो भाई, और जो टूथपेस्ट है आपका उसका प्राइस 50-70 के अप्रोक्स होता है, वो ग्राम्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मेन जिसका प्राइस ज़्यादा होता है, बिकॉज ज़्यादा जो टैक्स भी फिर आप पे करोगे ना, वो जो प्राइस है उस गुड्स के प्राइस को ही हम कंसिडर करते हैं, उसी को ही हम सिंगल प्राइस मानते हैं। तो ये देखिए, कंपोजिट जो सप्लाई है वो क्या है, कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बंडल नेचुरली सप्लाइड विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और वन सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई। क्लियर? तो यहाँ पर तो ये कंपोजिट का ही आ गया फिर से। ये देखिए, ये मिक्स का है, कंप्राइज किए जाते हैं, यहाँ पर नेचुरली बंडल नहीं होता, हमारे के द्वारा ही होता है, और एक सिंगल प्राइस है वो चार्ज किया जाता है। जैसे बिस्किट फ्री विद चिप्स, तो यहाँ पर चिप्स का प्राइस जो मेन होगा, अगर बिस्किट का छोटा पैकेट है तो यहाँ पर जिस चीज़ का भी प्राइस ज़्यादा है ना भाई, क्योंकि टैक्स भी आपका उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, टैक्स लाइबिलिटी भी, तो वो प्राइस माना जाएगा। टूथब्रश विद टूथपेस्ट और टूथपेस्ट का, अब दोनों में डिफरेंस है हमारा। तो देखिए, कंपोजिट सप्लाई है और मिक्स सप्लाई है। यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई है आपकी कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल, दो या दो से ज़्यादा सप्लाई को इंक्लूड करती है, जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है। मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज, दो या दो से ज़्यादा सप्लाई को इंक्लूड करती है, ठीक है। यहाँ पर शेल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जैसे कि जो होटल रूम है उसका रेंट, वो इंक्लूड होगा। और यहाँ पर वो गुड्स का प्राइस जो हाई रेट ऑफ टैक्स को अट्रैक्ट करता है, उसका प्राइस है वो इंक्लूड होगा। ओके जी, तो ये था हमारा चैप्टर 4th। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स हैं, वेरियस गिवन है, ये आप रीड कर लीजिएगा। तो ऊपर का सारा पोर्शन हो चुका है और फिर इसके बाद इस चैप्टर की समरी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, बेसिकली अगर मैं कंक्लूसिव वे में बात करूं, तो इस चैप्टर 4th में जो सप्लाई का चैप्टर है, पहली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या क्या है, इसमें सप्लाई में क्या क्या, पहली बात सप्लाई का मीनिंग, सप्लाई का सेक्शन 7 है, ठीक है। अब इसमें सप्लाई में इंक्लूजन, फर्स्ट इंक्लूजन, सेकंड इंक्लूजन, थर्ड इंक्लूजन, सप्लाई एक्सक्लूजन, फर्स्ट एक्सक्लूजन, सेकंड एक्सक्लूजन, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा। और थर्ड है हमारा मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सेक्शन 230 और मिक्स सेक्शन 274। ओके जी, तो ये था आपका चैप्टर 4th। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट जो वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5th स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।